हाय गाइस, मैं हूँ सैरा शली और जैसा कि आप जानते हैं मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, ना ही मैं नेल एक्सटेंशन करवाती हूँ। लेकिन मंथ में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ और मैं करवा सकती हूँ। हाउ कूल इज इट राइट? तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ क्रैक एंड पॉज और देखिए कैसे हाय तो ये सब मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन पीयूष कहाँ चला गया? एक सेकंड, ही सो बिजी शूटिंग। आज मैं फाइनली पीयूष को अपने साथ लेके आई हूँ और एक सेकेंड बता के लेकर पीयूष। उसपे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक साथ आने की बात थी, हम आपकी रिक्वेस्ट के साथ आ गए हैं। फाइनली मैं ले आई हूँ, मैंने वादा किया था ना कि मैं पीयूष को साथ में लेके आऊंगी, तो अब हम साथ में आ गए हैं। कैरेक्टर आगे वाले जो भी ब्लॉग्स अभी आने वाले हैं, आप हम दोनों को साथ ही देखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर मैं शूट कर रहा हूँ बिजी हूँ तो आपको सैरिश देखेंगी, नहीं तो हम लोग साथ में देखेंगे। ओके तो हम शुरू करें पीयूष। ठीक है, आपके पास वक्त बहुत कम है, कल आपको शूट करना है। और आपको पता है आपके सारे फैंस मुझे बोलते हैं कि पीयूष सर हैं। लेकिन मैं करवाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं करवाती हूँ ना तो आपको मेरे चेहरे पे ये खुशी दिख रही होगी कि मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे परमिशन अगर होती तो मैं महीने के 30 के 30 दिन नेल्स लगा के रखती, लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं। बट अभी जो हम कर रहे हैं वो फाइनली होने जा रहा है और कुछ बहुत ही अमेजिंग से नेल करेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी बात तो हो रही, पीयूष क्या करवा रहा है? पीयूष को पूछे। आज आ गए हैं क्रैक्स एंड पॉज, जहाँ पे मैं पेरिश मुझे लेकर आई है मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए। एज एन एक्टर, आपको जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स बहुत खूबसूरत दिखने चाहिए। आपको पूरा खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका फेस हो या बाल हो या हाथ हो या पैर हो। तो जहाँ तक हाथों और पैरों का सवाल है, वहाँ पे मैनीक्योर पेडीक्योर करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक शो कर रहा हूँ अभी जिसकी शूट चल रही है, जो मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊँगा, बहुत जल्द आपके सामने उसका आ जाएगा, रिवील हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको बहुत खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है, तो जिसमें आपके हाथ पैर भी आते हैं। तो ये प्रोसीजर अब स्टार्ट हो गया आपके सामने। ये एक मैंने थिस्टर डाला, इसको थिस्टर बोलते हैं, जेली टाइप का होता है जो आपके फीट को रिलैक्स करता है। सो बिफोर द पेडीक्योर और मैनीक्योर वो कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जिससे पहले आपकी बॉडी रिलैक्स हो, माइंड रिलैक्स हो। क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले, क्योंकि हम रोज़ाना ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस लेवल रहता है, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो किसी भी थेरेपी को ट्रीटमेंट आपकी बॉडी तभी अडेप्ट करेगी जब आप पीस आपका पीस ऑफ माइंड हो, आप फोकस्ड हो, आपका दिमाग शांत हो। उसके लिए इस तरह की इन्होंने कुछ चीज़ें इसमें डाली हैं जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। हाय, मैं हूँ राज। आज सर का छुट्टी काफ़ी टाइम बाद मिली, इसके लिए मैं इनको पेडीक्योर मैनीक्योर करने जाने जा रहा हूँ, और जो करूँगा उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा और उनको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ आज छुट्टी दिन काम किया। बेसिकली राज जी का मतलब ये है कि जो भी ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं पेडीक्योर के साथ मैनीक्योर के साथ, एक एक अलग तरह की थेरेपी भी है जिसमें आप यू फील रिलैक्स, जैसा कि मैंने पहले बताया। और चूंकि आज मुझे ब्रेक मिला है, अपने शूट से ऑफ मिला है, तो जब आपको ऑफ मिलता है तो उस दिन जरूरी होता है कि आप अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है एज एन एक्टर। तो पीयूष, मैं आपसे तीन चीजें पूछती हूँ और आपको भी वो तीन चीजें मुझसे पूछनी है कि तीन चीजें आप छुट्टी के दिन क्या करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, ऐसा क्या खाना है जो आप छुट्टी के दिन खाना पसंद करते हैं? So, जब मेरा डे ऑफ होता है या छुट्टी होती है तो मैं खाने की जहाँ तक बात है तो वैसे जब शूट चलता है तो मैं डेली बहुत डाइट फॉलो करता हूँ, प्रॉपर मेरा रूटीन रहता है। लेकिन जब मेरा कभी 10-12 दिन में एक दिन छुट्टी होती है, ऑफ डे होता है, तो मैं चीट करना अगर चाहूँ तो वो होता है सैरिश के हाथ के पराठे। शी मेक्स ऑसम पराठे, घी के बना के, बहुत अच्छे से पराठे बना के, और साथ में फिर जो भी सालन या कोई भी ग्रेवी या कोई भी सब्जी या दाल हो, लेकिन पराठे सैरिश के हाथ के होने चाहिए। तो मतलब आपने मेरी पराठों की तारीफ कर दी, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पीयूष ने मेरे हाथ के पराठों की तारीफ कर दी। तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है ना। ठीक है, तो अब वक्त आता है दूसरे सवाल का। आपकी छुट्टी के दिन आपकी सेकंड फेवरेट चीज क्या है? मेरी सेकंड बोले या फर्स्ट बोले, लेकिन सबसे बड़ी जो फेवरेट चीज है वो ये है कि मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। क्योंकि डेली जो रूटीन है वो ऐसा है कि आई वेक अप 5 इन द मॉर्निंग, 5 बजे उठता हूँ, वर्कआउट करके फिर शूट पे जाता हूँ, 12 घंटे शूट होता है, फिर रात को आते आते 11 बज जाते हैं,
तो कुछ तकरीबन 16 घंटे यू आर रनिंग ऑल द टाइम, 16 घंटे आपकी भागदौड़ चल रही होती है सुबह से लेकर रात को 11 बजे तक। तो मेरा ये दिन ऐसा रहता है कि जिसमें सिर्फ सोना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता सहरिश के अलावा, या मैं बैठ के सिर्फ टीवी देखना चाहता हूँ, अच्छा सिनेमा देखना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारी सवाल है लेकिन मैंने सिर्फ 3 सवालों का आपसे कमिटमेंट लिया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हो। छुट्टी के दिन आपको घर से बाहर कौन निकाल सकता है? तो सिर्फ छुट्टी की बात नहीं है, किसी भी दिन मुझे कहीं भी जाना ज्यादा पसंद है। ज्यादा सोशलाइज मैं नहीं करता हूँ, ज्यादा मेरा पार्टीज वगैरह बाहर निकलना बहुत पसंद है। बाहर निकलने का मकसद तभी है जब या तो मैं शूट कर रहा हूँ या मेरा वर्कआउट हो या कोई बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन अगर मुझे कोई छुट्टी के दिन या बिना छुट्टी के दिन भी अगर मैं फ्री भी हूँ घर पे हूँ, मुझे अगर घर से बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ सहरी चली है, क्योंकि उसकी मैं किसी बात को मना नहीं करता हूँ और मना करना भी नहीं चाहता, मेरा दिल ही नहीं चाहता उसको किसी भी चीज़ के लिए मना करने के लिए। जब वो मुझे बाहर लेकर जाती है, जैसे आज मुझे वो लेकर आई यहाँ पे इस थेरेपी के लिए, तो वो मेरे अच्छे के लिए होता है। तो थैंक यू सरीश फॉर ब्रिंगिंग मी आउट एंड फॉर दिस वंडरफुल थेरेपी। थैंक यू सो मच। सरीश के 3 सवाल तो हो गए, मेरा सवाल उससे है, पहला सवाल मैं भी 3 सवाल पूछने वाला हूँ सरीश से कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम उसको क्या करना पसंद है, क्या वो ऐसी चीज़ें जो करना चाहती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? इसका जवाब तो जग जाहिर है। सबसे पहले उठते से ही मैं जिम की शक्ल दिखना चाहती हूँ, जिम से मेरा मूड जो है वो सेट होता है। और यही सेम चीज़ मैं पीयूष के लिए भी बोलूँगी, तो हम दोनों सबसे पहले उठ के वर्कआउट करते हैं। तो ये तो हो गया कि जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, मतलब सुबह उठ के सबसे पहला काम। लेकिन सुबह उठ के सबसे पहले मैं प्रे करती हूँ ऑफकोर्स, तो पहले मैं उठती हूँ, अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करती हूँ और फिर मैं वर्कआउट करती हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको ये ऑप्शन दूँ कि आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके शॉपिंग कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको दे दिया जाए और आपको जितने पैसे आपको चाहिए आपके अकाउंट में दे दिए जाएँ, तो आप कौन सी कंट्री जाके शॉपिंग करना चाहते? इसका जवाब है कि मैं दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं छोड़ूंगी जहाँ से मैं शॉपिंग करूँ, लेकिन मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी टर्की, इस्तांबुल, और वहाँ से दैट्स माई फर्स्ट बकेट लिस्ट। लेकिन मैं आपको ये भी जवाब दे देती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करूँगी, मुझे दुनिया के हर कंट्री से, हर शहर से सिर्फ जिम के कपड़े खरीदने हैं, सिर्फ जिम के कपड़े खरीदने। आई मीन आई रियली वॉन्ट स्टील अवे ऑल द क्लोथ फॉर जिम, मतलब दिस इज माई सच्ची ख्वाहिश। और तीसरा सवाल ये है कि मुंबई या भोपाल? ये ब्लॉग मेरी माँ भी देखती है, अगर मैंने मुंबई बोल दिया तो मेरी माँ मेरी जान ले ली थी। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मुमआल में रहूँगी। हाउ डिप्लोमेटिक होना पड़ता है ना, बिकॉज जिनकी व्लॉग्स जिनकी मम्मी भी देखती है तो वो डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। इसका जवाब ये है कि ऑफकोर्स हम मुंबई, आपका जो शहर होता है जहाँ पले बड़े होते हो, जहाँ पे जन्म होता है, जहाँ की पैदाइश होती है, ऑफकोर्स वो आपका फर्स्ट फेवरेट रहता है और वहीं पे आप रहना पसंद करते हो, रहना चाहते हो, क्योंकि वहाँ की यादें होती हैं, मेमोरीज होती हैं, आपकी फैमिली, वहाँ का खाना, आबो हवा। लेकिन चूंकि ये शहर ऐसा है, ये कहते हैं कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इसी शहर आना पड़ेगा, स्पेशली इस इंडस्ट्री में हम जिसमें हम काम करते हैं, तो इस शहर में आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनका भोपाल फेवरेट इस वजह से है क्योंकि उनकी फैमिली वहाँ पे है और उनका फेवरेट खाना वहाँ सब मिलता है, और सेकंड फेवरेट मुंबई होगा क्योंकि यहाँ पे उनका काम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब बहुत सारे सवाल जवाब हो गए, अब हम करवाते हैं अपना काम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर से। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए, क्योंकि पैरों को हाथ मतलब उन्हीं के लगाए जाते हैं जो बहुत महान हो या हमसे बड़े हों। लेकिन ये प्रोसीजर ऐसा है जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपको पैरों को हाथ लगाना ही पड़ता है इस ट्रीटमेंट को करने के लिए। सो आई एम सॉरी राज एडवांस में। हाउ स्वीट, मतलब कितना कौन सोचता है, लेकिन राज भी बहुत क्यूट है और पीयूष तो है ही। और पीयूष के बारे में एक बहुत ही अच्छी मिथ है जो मैं आज बस्ट करूँगी। लोगों को लगता है कि पीयूष बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रहते हैं, जो कि रहते हैं। लोगों को लगता है कि वो एक बहुत ही एंग्री यंग मैन है, जो कि है, लेकिन पीयूष घर पे एकदम अलग है। अगर पीयूष को मौका मिल जाए अपनी डाइट चीट करने का, देखिए मैं अभी सर मैंने अपने हाथ यूज करना शुरू कर दिया, तो अगर पीयूष को मौका मिल जाए अपनी डाइट चीट करने का, तो ये एक ऐसे इंसान है जो इकट्ठा 2-3 डब्बे गुलाब जामुन के जो है वो खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि डाइट पे रहते हैं इसलिए ये रुके हुए हैं। लेकिन संडे को या छुट्टी के दिन वो बांध जो है वो हट जाता है और
जो मीठे का दौर है वो शुरू हो जाता है और घर पे एकदम छुट्टी वाला माहौल होता है, तो हम डाइट को भी छुट्टी दे देते हैं, जबकि पीयूष जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हम उनको फोर्स कर करके हम लोग चीज़ें करवा लेते हैं, लेकिन ये होता है छुट्टी के दिन। एंड पीयूष इज नॉट एन एंग्री यंग मैन, यू शुड सी हिम एट होम, ही इज लाइक अ स्मॉल बेबी, आई शुड नॉट सी दिस, लेकिन अब तो मैंने बोल दिया। तो यहाँ मैंने आपकी दो मिथ बोस्ट की है पीयूष को लेकर। अच्छा पीयूष, मैंने तो बोस्ट कर दी, आप भी कुछ मिथ बोस्ट कर सकते हो मेरे बारे में। तो सहरिश के अगर मिथ बस की बात की जाए तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हो, कितने ही आपको स्ट्रेस हो या किसी भी तरह की उलझन में आप फंसे हो, उसको सिर्फ अपनी तकलीफ बता दो, वो आपके आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे चुटकी में निकाल देती है या आपको रिलैक्स कर देती है। या अगर कोई जैसी सीढ़ियाँ बनी है मुझे चढ़ के जाना और मैं नहीं चढ़ के जा पा रहा और मैं क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, वो ऐसा कुछ आपको बता देगी कि आप आराम से उस सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर पहुँच जाओ। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है सहरिश की। कि और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि सहरिश जहाँ भी जाती है, जिस भी महफिल में जाती है, वहाँ के एकदम कहते हैं ना कि महफिल की जान या शान बन जाती है, सब इसके एकदम मुरीद हो जाते हैं, सब इसको पसंद करते हैं, इसका नेचर ऐसा है, शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड शी इज़ वेरी शी रिस्पेक्ट्स एवरीवन सो मच, सबसे बहुत प्यार से बात करना, चाहे बड़ा हो या छोटा हो या किसी भी तबके का हो। तो ये एक वजह है कि ये सबकी फेवरेट रहती है। जैसे ये कभी अपने जिम जाती है, शूट पर जाती है, तो गाड़ी पार्क पे करने से लेकर तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड से लेकर लिफ्ट मैन से लेकर जिम में ट्रेनर से शूट पे जो भी स्टाफ होता है सबसे सबके साथ इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं तो आपसे अच्छे से, आप छोटे हैं तो आपसे बुरा हो, सबके साथ एकदम सेम बिहेवियर, इसका समान नेचर रहता है। और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ सहरिश से, मैं सीख रहा हूँ, और मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें बहुत फ़र्क आया सहरिश से मिलने के बाद, बहुत डिफरेंस आया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक रिलेशन, मतलब पब्लिक जो पी आर होता है, पब्लिक रिलेशन होता है, लोगों से कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। तो ये क्रेडिट मैं सहरिश को दे रहा था। थैंक यू। और इसी के साथ ये जो लेंथ है, आप बताओ कि मैं तो बेसिकली मैं वर्कआउट करती हूँ, हाँ, तो मेरा वर्कआउट भी ठीक से हो जाए तो स्मॉल लगे। हाँ हाँ हाँ, इतना काफी था, अच्छा था, नहीं थोड़ा सा और छोटा कर लेते, थोड़ा सा अच्छा, हम इसकी शेप करेंगे क्या? हाँ शेप करेंगे। तो पीयूष को मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दिया है जो मैं भी चूज नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जो नेल का पैलेट है, जो शो बुक है, वो मैंने पीयूष के पास भेज दिया, अब देखते हैं पीयूष क्या चूज करता है मेरे लिए। राजश्री, ये वाला एक मैम को पसंद आया सर, okay. और ये सारे मैग्नेट्स वाले। Even I like the same. Same. क्या? जो तुम्हें पसंद आया वो पसंद आया। तो ठीक है, तो हमने राजश्री दिखाएंगे हमको, हमने चूज किया है ये वाला 155। दो मिनट में हमारा नेल का कलर जो है वो चूज हो गया। आपसे पूछते हैं कि जब लड़की आती है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना टाइम लेती है नेल चूज करने में? 10-15 मिनट, और हमने चूज कर लिया 5 मिनट में। मतलब वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग रियली गुड। माय गॉड, पीयूष सो गया। तो मतलब मैंने पीयूष को घर पे नहीं सोने दिया, इसलिए पीयूष यहाँ पे आके सो गया। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि सौ जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। तो फाइनली मेरे हाथों का तो हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है आप देखिए। और अब उड़ा है हमारे पैरों की नेल्स का एक्सटेंशन, और आप देख सकते हैं कि वहां पे बिल्कुल रिलैक्स हो गई और मस्त नींद ले रहे हैं। हम आ चुके हैं, वापस लौट गए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं, और पीयूष का भी मैनीक्योर पेडिक्योर हो गया है।
मैं खा रही हूँ यहाँ पे काजू कतली, मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, तो अब मैं जाती हूँ ऊपर और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।